हेलो फैनवर्स, तो चलिए आज बात करते हैं ब्लैक पैंथर 2 AKA वकांडा फॉर एवर मूवी को लेकर काफ़ी बड़े अपडेट के बारे में कि मूवी का जो प्लॉट है वो टोटली पूरी तरह से चेंज होने वाला है। अब ये क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है शूरी का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस लेटिटा राइट का। तो जब ऑफिशियली ये बात अनाउंस की गई हमारे ब्लैक पैंथर AKA चैडविक बोसमैन की डेथ हो गई है, तो बहुत बड़ा झटका था फैंस के लिए और साथ ही साथ MCU के लिए भी, क्योंकि आगे चलकर ब्लैक पैंथर के यूनिवर्स का क्या होगा, क्योंकि मूवी के लिए फ्यूचर प्लान्स ऑलरेडी हो चुके थे, बट इस न्यूज़ के बाद ब्लैक पैंथर 2 मूवी का प्लॉट पूरी तरह से चेंज करना पड़ा। साथ ही मूवी के डायरेक्टर रियान कुलगर और MCU ने डिसाइड किया कि किसी वर्दी कैरेक्टर को ब्लैक पैंथर रोल दिया जाएगा कंटिन्यूएशन के लिए। अब काफ़ी सारे रूमर्स आ रही थी कि आगे चलकर हमें लेटिटा राइट एज अ फीमेल ब्लैक पैंथर के रोल में दिखाई देगी। तो ये भी बताया जा रहा था कि सेट पर काफ़ी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है लेटिटा राइट को लेकर। अब रूमर्स की मानी जाए तो मूवी की एंडिंग जो है वो चेंज की जा रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि MCU और डिज्नी ने लेटिटा राइट को जो है इस मूवी से या फिर MCU से बाहर निकाल दिया गया है। अब रूमर्स की मानी जाए तो ये कहा जा रहा है कि मूवी का जो प्लॉट है पूरी तरह से चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके लिए जो है आपको फिर से एक नई स्टोरी बनानी पड़ेगी। साथ ही साथ जो प्लॉट चेंज करने के लिए फिर से आपको मेजर रीशूट पर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो न्यूज़ है टोटली फेक न्यूज़ है। यहाँ पर लेटिटा राइट को जो है किसी भी तरह से MCU से यहाँ से बाहर नहीं किया गया है, बट सच क्या है और झूठ क्या है सब कुछ आपके सामने है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले एक साल से लेकर जो है इस मूवी को जो है लेकर लेटिटा राइट और MCU के बीच काफ़ी सारी गड़बड़ यहाँ पर हो रही है। अब इसका सबसे बड़ा अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो ये जो मूवी है इसी साल जो है 11 जुलाई को रिलीज़ होने वाली थी, बट मूवी को ऑफिशियली रिलीज डेट जो है अभी वो कर दी गई है 11 नवंबर की। अब यहाँ एक चीज़ मार्वल को डेफिनेटली ब्लैक पैंथर के लिए करना चाहिए जो कि है रिकास्ट, क्योंकि जेम्स बॉन्ड अगर रिकास्ट हो सकते हैं, बैटमैन सुपरमैन को भी काफ़ी बार रिकास्ट किया गया है और फैंस ने बहुत प्यार दिया उनको और उनको एक्सेप्ट भी किया एज उस रोल के लिए। इवन MCU में भी अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 स्पाइडरमैन है, साथ ही साथ द फैंटास्टिक 4 को भी रिकास्ट किया गया था, और MCU में सबसे बड़ा मेजर जो है चेंज किया गया था आयरन मैन में, जिस बंदे ने वॉर मशीन का रोल निभाया था सेकेंड मूवी में उसे भी रिप्लेस कर दिया गया। तो ब्लैक पैंथर के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो आपका क्या कहना है इस अपडेट को लेकर, और आप मुझे बताइएगा कि आप कौन से एक्टर को एज ब्लैक पैंथर के रोल में देखना चाहेंगे। और ऐसे ही अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी एडिक्टेड, और हाँ वकांडा फॉरएवर।